इजहार है ताजियत वास्ते, दुआए मगफरत और ईसाल सवाब वास्ते। आज नूर हसन साहब के नाल इजहार अफसोस वास्ते असा हाजिर थे हैं। अल्लाह तबारक व ताला इन्हें को सब्र जमील अता फरमावे, अजर अजीम अता फरमावे। यकीनन भेणा भिरावां दे रिश्ते अजीम रिश्ते होंदे, अल्लाह इन्हां रिश्तों को हमेशा निभावण की तौफीक देवे और इन्हां रिश्तों की अल्लाह सुजाण नसीब फरमावे। जल्ले कोई सज्जण दुनिया तो रुखसत थींदे, कोई तुर वेंदे, उन्दे वञण तो बाद वल उन्दा उन्दी अहमियत दा पता लगदे, वल उन्दे रिश्ते दी कदर दा पता लगदे। असा लोग काश कि असा जीने भी एक दूजे दे नाल ओ मुहब्बत ओ गांढे जोड़ के रखूं जेरे साको अल्लाह रसूल ने इनायत फरमाई। सुभान अल्लाह। अजीजा ने मोहतरम ईसाल सवाब की बरकत नाल चंद मिनट की हाजिरी कुरान पाक की आयत मुबारक का कुछ हिस्सा तिलावत करन दा शर्फ हासिल कीते। इहदा कोई लंबा चौड़ा वाज नहीं और इहदी कोई लंबी चौड़ी तकरीब नहीं, किताब काफ़ी देर जिक्र खैर करेंदे रह वजों मुख्तसर रहे और मुख्तसर अंदाज में तुसा आयत पाक दे मफहूम को तारी खिदमत पेश करने की कोशिश करे सा। अल्लाह पाक आप सारे को अमल की तौफीक आमीन आमीन। यकीनन ईमान पहले अमल बाद, पहले ईमान है वल अमल। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद विच इरशाद फरमाए, अल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात तूबा लहुम व हुस्नु मआब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब्बुल इज्जत ने फरमाया ओ लोग, अल्लज़ीना आमनू ओ लोग जेड़े ईमान घिंदा है, व आमिलुस सालिहात जेथी कुरान पढ़सो पहले आमनू उतु बाद व आमिलु सालेहात। सुभान अल्लाह। मतलब क्या लिया, जो सब तू पहले बंदे दा ईमान है।